खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। आगे बढ़ते हैं, झुंझुनू से बड़ी खबर का रुख करते हैं। मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा के रिश्तेदार और पूर्व निजी सहायक को पुलिस ने पकड़ा है। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने झुंझुनू शहर में कार्रवाई की है। जुड़ीसी दीपेंद्र सिंह निवासी काली पहाड़ी को हिरासत में लिया गया है। धोखाधड़ी के मामले में जयपुर ग्रामीण पुलिस ने हिरासत में लिया है। वर्तमान में शिक्षा मंत्री के कार्यालय का जुड़ीसी है। 2019 से 2023 तक दीपेंद्र सिंह था मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा का निजी सहायक। मूल रूप से झुंझुनू सीबीओ कार्यालय में 18 दिसंबर 2012 से पद स्थापित जयपुर ग्रामीण एडिशनल एसपी कर रही प्रकरण का अनुसंधान। और ये सबसे पहले तस्वीर फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने झुंझुनू शहर में कार्रवाई को अंजाम दिया है और इस दौरान जुड़ीसी दीपेंद्र सिंह निवासी काली पहाड़ी को हिरासत में लिया गया। मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा का रिश्तेदार बताया जा रहा है और जयपुर ग्रामीण पुलिस ने जो कार्रवाई किया उसके मुताबिक वर्तमान में शिक्षा मंत्री के कार्यालय का जुड़ीसी है। 2019 से 2023 तक दीपेंद्र सिंह का मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा का निजी सहायक और मूल रूप से झुंझुनू सीबीओ कार्यालय में 8 दिसंबर 2022 से पद स्थापित है जयपुर ग्रामीण एडिशनल एसपी प्रकरण का अनुसंधान कर रहे हैं। झुंझुनू से हमारे सहयोगी प्रदीप गढ़वाल जुड़ गए हैं। प्रदीप, जरा बताइए किस तरीके की ये कार्रवाई और क्या आरोप जिनके एवज में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। विजेंद्र, मैं आपको बता दूं, यूडीसी है दीपेंद्र सिंह कालीपाड़ी, उसको जयपुर ग्रामीण पुलिस ने हिरासत में लिया है। किसी धोखाधड़ी विवाद मामला चल रहा था और उस के चलते जयपुर ग्रामीण पुलिस ने आज झुंझुनू शहर में यह कार्रवाई की है। इसके तहत आरोपी इसको गिरफ्तार किया गया है, दीपेंद्र सिंह को। और विजेंद्र, मैं आपको बता दूं, ये जो इसकी गिरफ्तारी हुई है वो मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा का रिश्तेदार है और पूर्व में निजी सहायक भी रहा हुआ है। और अभी हाल ही में जो शिक्षा मंत्री का कार्यालय है वहां पर ये कार्यरत था और उसके बाद यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है जी। लेकिन प्रदीप, ये जानकारी लग पाई कि जो धोखाधड़ी का मामला है वो मामला किस तरीके का है, किस तरीके की धोखाधड़ी है और कब से मामला दर्ज है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जयपुर जिले के गोविंदगढ़ क्षेत्र में कुछ बदमाशों ने वहां पर एक निजी अस्पताल की इमारत को कब्जा करने का प्रयास था। करीब वो अगस्त माह का मामला था, उसी दौरान उस मंत्री के पीए की संदिग्ध भूमिका नजर आई थी और वो मामला चल रहा था। उसके बाद में ये पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और आखिरकार उनको कुछ सबूत मिले होंगे, उसी के तहत इनकी गिरफ्तारी हुई है जी। विजेंद्र, शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो। यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा। हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती हैं सबसे पहले सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज़, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट।